सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ऑनलाइन सट्टेबाजी की दुनिया के वो दो बड़े नाम जिनका नेटवर्क भारत में ही नहीं यूएई, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में भी है। ईडी दोनों की तलाश कर रही है और दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट और एलओसी भी निकाल चुकी है। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ में भिलाई के शारदापार बैकुंठ धाम और रवि उप्पल नेहरू नगर का रहने वाला है। हैरानी की बात है कि सौरभ चंद्राकर कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ में भिलाई के नेहरू नगर में जूस की दुकान चलाता था और रवि उप्पल की टायर की दुकान थी। बताते हैं कि दोनों को सट्टे की लत थी और उसी सिलसिले में दोनों की दोस्ती हुई और फिर एक दिन अचानक दोनों दुबई भाग गए। वहाँ एक शेख और पाकिस्तानी पार्टनर के साथ मिलकर दोनों ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप लॉन्च किया और फिर देखते ही देखते सट्टेबाजी की दुनिया के किंग बन गए। ईडी के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के लिए दोनों ने देश में 4000 के करीब पैनल ऑपरेटरों का नेटवर्क खड़ा किया है। हर पैनल ऑपरेटर के पास 200 ग्राहक हैं जो सट्टा लगाते हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह से दोनों रोजाना 200 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं और अपनी इसी अकूत काली कमाई से संयुक्त अरब अमीरात में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। सौरभ चंद्राकर ने इसी साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में शादी की। ईडी का दावा है कि उस विवाह समारोह को भव्य बनाने के लिए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए। भिलाई में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिया गया। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि की सेवा ली गई और उनको नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, शादी में परफॉर्म करने के लिए बॉलीवुड की 14 मशहूर हस्तियों को बुलाया गया था। अब वो सभी 14 फिल्मी सितारे भी ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने पिछले दिनों महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में मुंबई, कोलकाता और भोपाल में करीब 39 ठिकानों पर छापेमारी कर 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल तो विदेश में छिपे बैठे हैं, लेकिन उनके महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप का प्रमोशन करने वाले तकरीबन एक दर्जन फिल्मी सितारे, खिलाड़ी और 100 के करीब इन्फ्लुएंसर अब ईडी के रडार पर हैं। सबसे पहला नंबर लगा है अभिनेता रणवीर कपूर का, जिन्हें ईडी ने 6 अक्टूबर को रायपुर के अपने दफ्तर में तलब किया है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।